बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। आज की इस खास वीडियो में यकम मुहर्रमुल हराम का बहुत ही बाबरकत और ख़ास अमल आपके साथ शेयर करूंगी। यकम मुहर्रमुल हराम रात को सोते वक्त सूरह कौसर का ये ख़ास अमल कर लें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बड़ी से बड़ी मुश्किल तरीन हाजतें भी इस अमल को करने की बरकतों से पूरी हो जाती है। लाखों लोगों का आजमाया हुआ खास अमल है। बहुत से बहन भाइयों ने इस माह मुबारक में ये खास अमल किया तो अल्लाह पाक ने उनकी हाजतें और दिली मुरादें अपने गैबी खजानों से पूरी फरमा दी। इस खास अमल को अल्लाह की ज़ात पर यकीन कामिल और इखलासी नीयत के साथ करने वाला अपनी मुराद पा लेता है। सूरह कौसर कुरान करीम के पारा नंबर 30 में मौजूद है और ये सूरह मुबारका 3 आयात पर मुश्तमिल है। इस सूरह मुबारका को पढ़ने के बेशुमार फायदे और बरकात हैं। इस सूरह मुबारका का विर्द करने से अल्लाह पाक हर मुश्किल को आसान कर देता है। मुश्किलात और परेशानियों से निजात के लिए, हाजतों के पूरा होने के लिए, घर में कारोबार में खैर और बरकत के लिए, कारोबार में तरक्की के लिए और रिजक में वसत और बरकत के लिए सूरह कौसर का विर्द नहायत ही मुजर्रब और ख़ास है। ये ख़ास अमल आपने इस तरह से करना है कि रात को सोने से पहले आपने ताज़ा वजू करना है, फिर 2 रकत नमाज नफर सलातुल हाजत की नियत से अदा करना है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद 11 मरतबा सूरह कौसर और 11 मरतबा सूरह इखलास पढ़ें। दोनों रखते इसी तरह पढ़कर वही जाए नमाज पर बैठे रहें। अव्वल आखिर किसी भी तादाद में दरूद पाक पढ़ें और दरमियान में 129 मरतबा सूरह कौसर का विर्द करें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल सुबह से पहले हर हाजत हर मुराद पूरी हो जाएगी। नाज़रीन, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो उसे लाइक करें और शेयर करें और नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।